नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने मक्के की रोटी की रेसिपी लाई हूं। अगर आप मक्के की रोटी बनाना सोच रहे हैं तो मेरे इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपकी रोटी बहुत ही परफेक्ट फुली फुली और सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आने के बाद आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही आसान तरीके से हमारी मक्के की रोटी बहुत ही फुली फुली और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप मक्के का आटा। इसको मैंने छन्नी से छान लिया है ताकि इसमें जो बड़े टुकड़े हैं वो निकल जाए, तो इसको छानना बहुत ही ज़रूरी है, इसमें बड़े बड़े कण होते हैं। यहाँ पे हमने आटा तैयार कर लिया है, इसको रखते हैं साइड में, चलते हैं गैस की तरफ पे। यहाँ पे मैंने एक पतीला चढ़ाया है, इसमें हम डालेंगे 2 कप से थोड़ा सा कम पानी। 3 कप आटे में इतना पानी इनफ है। पानी में अच्छा जब उबाल आ जाए तब इसमें हम आटा डाल देंगे और उसको डालकर थोड़ा थोड़ा आटा डाल के मिक्स करेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे ना तो आपके जो मक्के की रोटी है बहुत ही परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल फटेगी नहीं। तो मैंने सभी आटा को ऐड कर दिया है। हमें गैस का फ्लेम स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पर इसको अच्छे से मिक्स करते हुए जब तक ये डो फॉर्म में थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए तब तक इसे हमें चला लेना है। तो आप इसे बहुत ही आराम से कलछी से पकड़कर, क्योंकि बहुत ही गर्म है हमारा बर्तन, तो अच्छे से डालकर मिक्स करेंगे और ये बहुत ही जल्दी से इसमें पूरा पानी ये अब्जॉर्ब कर लेता है। आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये ड्राई हो चुका है। इसी तरह इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए अच्छे से इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। इस तरह से आपकी जो रोटी है बहुत ही परफेक्ट बनेगी दोस्तों। तो इसको हम कवर करते हैं। 10 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था, ये हल्का अभी गुनगुना है, बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। इसको हम निकालेंगे एक बड़े बर्तन में। तो यहाँ पे मैंने इसे एक परात में निकाल लिया है और परात में निकालने के बाद इसको हम अच्छे से, इसकी हमें बहुत ही अच्छे से मसल मसल कर इसको सॉफ्ट करना है। तो इसको हमें गूंथने में लगभग 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो बहुत ही आराम से इसको गूंथिएगा तभी हमारी रोटी परफेक्ट बनेगी। तो इसको जो अच्छे से मिक्स कर दिया है और 1 टेबल स्पून ऑयल लगा लीजिए ताकि ये चिपके ना, और कुछ इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से मसलते हुए हमें क्रैक फ्री डो तैयार कर लेना है। बिल्कुल सॉफ्ट हमारा आटा तैयार हो जाएगा। जितना आप इसको मसलेंगे ना उतना ही हमारी रोटी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें हम 2 भाग में इसको डिवाइड कर देंगे और इसकी छोटे छोटे लोइयाँ हम तैयार कर लेंगे। दोस्तों आप इस तरीके से बनाइए, आपको मक्के की रोटी बिल्कुल भी फटेगी नहीं, बहुत ही अच्छे से फूली फूली हमारी मक्के की रोटी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चेक करना है, अगर आप लोई बनाएं और लोई में बिल्कुल क्रैक ना रहे तो समझ लीजिए हमारा जो डो है बहुत ही परफेक्ट गूंथा हुआ है, नहीं तो इसको आपको और मसलने की ज़रूरत है। हमारा डो अच्छे से तैयार हो चुका था। इसकी अब हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे और सभी को ढक देंगे, एक लोई उठाएंगे। आटे में थोड़ा सा डस्ट करने के बाद इसे हमें बेल लेना है। तो इसे पतली पतली बहुत ही आराम से आप देख सकते हैं दोस्तों बन जाता है और ये बिल्कुल भी फटता नहीं है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी रोटी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने एक पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी सेक सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन अगर आपको इसे और भी परफेक्ट बनाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक टिफ़िन या फिर कोई एक बर्तन ले लीजिए जिसको कुछ इस तरह से, और उसे हमें इस तरह से कट लगा लेना है। तो हमारी सभी रोटियाँ एक साइज की बनेंगी और बहुत ही सुंदर सुंदर बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने एक रोटी बनाकर तैयार कर लिए, बहुत ही पतली सी रोटी हमारी बनकर तैयार है। तो इसी तरह मैं 5 से 6 रोटी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इस आटे की खास बात है कि इसको आप एक साथ बनाकर लीजिए और उसके बाद आप इसे सेकिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ रोटियाँ पहले बना लेना है, उसके बाद इसे हम चलते हैं गैस की तरफ पे सेकने। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये रेसिपी, आज ये मक्के की रोटी बनाने का आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालो उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली हमारी रोटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। मैंने यहाँ पे कुछ रोटियां बना लिया, हम चलते हैं गैस की तरफ पे। तो यहाँ पे मैंने तवा पहले से गर्म करने के लिए रखा था। तवा जब अच्छा गर्म हो तो इसमें हम डालेंगे रोटी और एक साइड से सिक जाने के बाद पलटेंगे और अच्छे से इसको हमें पलट पलट कर सेक लेना है। तो आप देखेंगे ये तवे पे बहुत ही आराम से सिकने लगता है। अगर आपने आटा बहुत ही अच्छे से गूंथा है ना तो आपकी रोटी बहुत ही परफेक्ट बनेगी फुली फुली सी। तो एक बार आप इस मेरे तरीके से बनाइए। सर्दियों में मक्की की रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही इसे सरसों के साग के साथ आप खा सकते हैं या फिर अपनी मनपसंद सब्जी के साथ खा सकते हैं।
तो आप देख सकते होंगे बहुत ही आराम से ये तवे पे फूलने भी लगी है। तो इसी तरह हम सभी रोटी को अच्छे से सेकेंगे पहले तवे पे, उसके बाद फिर हम इसको गैस पे सेकेंगे। तवे पे ही देख सकते हैं बहुत ही आराम से ये फूल रहा है, आपको इसको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ही परफेक्ट हमारी रोटी फूल चुकी है। तो इसको अब हम तवे पे भी थोड़ा सा सेक लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी रोटी कितनी अच्छे से फूली फूली बन रही है और बहुत ही बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई हमें बनाने में। इसी तरह आप सभी रोटियों को बना लीजिए, एक बार आप इस तरीके से बनाएंगे ना आपको ये तरीका बहुत ही पसंद आएगा और आप हर बार इसी तरीके से मक्के की रोटी बनाना पसंद करेंगे। तो इसी तरह हम सभी रोटी को पहले बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने सभी रोटी को बनाकर तैयार कर लिया, हमारी फुली फुली सी बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप मक्के की रोटी जब भी आपको खाने का मन करे इस सर्दी में बनाइए, आपको ज़रूर ये तरीका पसंद आएगा और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी बनाने में। तो आप इसमें हम थोड़ा सा लगाएंगे इसको और भी टेस्टी करने के लिए घी, और घी लगाकर इसको हम अपनी मनपसंद सब्जी के साथ सर्व करेंगे। तो आज मैं इसे सरसों के साग के साथ नहीं, आज इसे मैंने मटर पनीर के साथ सर्व किया है। तो उम्मीद है आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लेटिंग कर ली है, आज के लंच में मैंने बनाया है मक्की की रोटी पालक पनीर के और प्याज के साथ सर्व किया है। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।